बहुत बड़ा खेल खेला है तूने। हमने झूठ बोला था क्योंकि हम तेरा और अधिराज का विश्वास जीतना चाहते थे। ये सुनैना खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लगी है। जब तक सुनैना को होश नहीं आ जाता तब तक केवल हम रहेंगे इसके साथ, क्योंकि मैं आपकी सुनैना को मारने वाली हूँ। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज तू नहीं बचेगी सुनैना, तुझे काली शक्ति बनाकर मैं तेरी आहुति दूंगी। हाँ, पता नहीं क्यों हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है। हम अभी सुनैना को देखकर आते। पर आप नहीं जा सकते राजा साहब। क्यों नहीं जा सकते? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई है? आओ, मुझे कोई बुला रहा है। तेरी मृत्यु निश्चित है सुनैना। आओ सुनैना, मेरे पास आओ। बिल्कुल सही था। तो तुझे पता चल ही गया कि हम ही हैं वो काली शक्ति। पर चिंता की कोई बात नहीं, किसी और को बताने के लिए तू जीवित ही नहीं रहेगी। सैनिकों ने उस काली शक्ति के साथ सुनैना को जंगल की ओर जाते हुए देखा था। आखिर वो काली शक्ति सुनैना को कहां लेकर गई होगी? ये तलवार आने वाले संकट का आपको आभास भी करवाएगी। नहीं, हम सुनैना को कुछ नहीं होने देंगे। नहीं, तुम भूल रही हो चंद्रलेखा कि मैं इस समय अपनी अंबे माँ के शरण में हूं, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। बहुत बड़ा खेल खेला है तूने। हम सबको लगा कि तू बदल गई है, पर कहते हैं ना, शैतान शैतान ही रहता है। हाँ, हमने झूठ बोला था क्योंकि हम तेरा और अधिराज का विश्वास जीतना चाहते थे ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सके। वो लक्ष्य जिसके लिए हमने अधिराज और सर्पिका के विवाह की योजना बनाई थी, वो लक्ष्य जिसके लिए हमने अधिराज के मस्तिष्क से याददाश्त मिटा दी थी। क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा क्या? पर तेरी हिम्मत और विश्वास का तो कोई जवाब ही नहीं। अपनी जान पर खेलकर सारी पहेलियां सुलझा ही डाली तूने। अधिराज ने तुम्हें एक और अवसर दिया था, दोबारा तुम्हें माँ कहकर पुकारा, पर तुमने उसके प्रेम और विश्वास के साथ क्या किया? विश्वासघात किया। प्रेम तो हम भी करते हैं अपने बेटे अधिराज से, पर इस प्रेम के चक्कर में अपने लक्ष्य को कैसे भूल जाएं? जब अधिराज को मैंने तहखाने में देखा तभी मुझे संदेह हो गया था, पर तुम बड़ी चालाकी से बच गए। आज भी मंदिर और महल के बाहर तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे संदेह हुआ, पर मेरा हृदय मानने के लिए तैयार ही नहीं था। पर अब तेरी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, अधिराज के सामने आएगी, और तेरा अंत निश्चित है डाकिनी। ये सुनैना खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लगी है। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाती हूँ। सर्पिका, सर्पिका जीवित है। ये निशान तो जंगल की बजाय गांव की तरफ जा रहा है।
मैं जल्द से जल्द गांव पहुंचता हूँ। यही सोच रही है ना कि सर्पिका को तो अधिराज ने मार दिया था, फिर ये जीवित कैसे हो गई, है ना? शायद ये नहीं जानती, काली शक्ति कभी मरती नहीं। कोई भी शक्तिशाली काली शक्ति नष्ट हुई काली शक्ति को पुनर्जीवित कर सकती है। पर ये बात तो सुनैना जानती है ना सुनैना? भूल गई होगी। अब तो सारी सच्चाई जान गई है ना तू? पर जानकर भी क्या लाभ, कुछ ही क्षणों में ये मरने वाली है। बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, जीतने के लिए कितना परिश्रम किया तुमने और लगभग जीत भी गई थी तुम, पर हमारे रहते कोई और जीत जाए ये हमें कभी स्वीकार नहीं। दशकों तक हमने सर्वशक्तिशाली डाकनी बनने के लिए इतनी तपस्या की है और आखिरकार हमारा ये स्वप्न पूरा होगा और अधिराज को पाने का मेरा स्वप्न भी पूरा होगा। डाकिनी, हमें जल्दी करना होगा, अपनी योजना सफल बनानी होगी। ये लोग किस योजना की बात कर रहे हैं? हाँ, हम यहाँ से जाते हैं, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। सर्पिका अभी भी जिंदा है, अर्थात हमारा आवास गलत नहीं था। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे सुनीला। राजा साहब, कोई अंदरूनी चोट या घाव नहीं है, बस बेहोश ही है, जल्द ही होश में आ जाएंगे। सर्पिका ने सही समय पर हमें बता दिया कि अधिराज सुनैना को बचाकर ले गया है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सुनैना अधिराज को कुछ भी बता ना सके। अब कैसी है रानी साहब, और ये सब हुआ कैसे? वो सर्पिका अभी भी जिंदा है, मरी नहीं है, पता नहीं कैसे। इसका अर्थ है कि वही महारानी साहब का रूप धर कर यहाँ आई थी और रानी साहब को यहाँ से ले गई थी। पता नहीं हमारी सुनैना की खुशियों को किसकी नजर लग जाती है बार बार। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। इसे तो मरना होगा अधिराज, वरना हम सर्वशक्तिशाली डाकनी कैसे बनेंगे? अब आप लोग जाइए, जब तक सुनैना को होश नहीं आ जाता तब तक केवल हम रहेंगे इसके साथ। हमें कैसे भी अधिराज को यहाँ से दूर करना होगा,
क्योंकि अगर सुनैना को होश आ गया तो वो अधिराज को सब बता देगी। और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? पता नहीं, ये अधिराज तो सुनैना का रक्षक बनकर बैठा है। सोचो, अगर सुनैना को होश आ गया और उसने सारा सच बता दिया तो मैं उस अधिराज का अपहरण कर लेती हूँ, फिर वो सुनैना से मिल नहीं पाएगा। वहाँ उस पवित्र भस्म के कारण उसने सुनैना को बचा लिया था, पर यहाँ वो मेरा सामना नहीं कर पाएगा। हमारे पास इससे अच्छी योजना है। सुनैना, हम तुम्हें जरा सा भी कष्ट नहीं होने देंगे, तुम्हें हर संकट से बचाएंगे, हमेशा तुम्हें खुश रखेंगे। हमारा दिल जलाकर इस सुनैना पर प्यार बरसाया जा रहा है। कोई बात नहीं अधिराज, बरसा लीजिए प्रेम आखिरी बार के लिए, क्योंकि मैं आपकी सुनैना को मारने वाली हूं ताकि आपको मैं हमेशा के लिए अपना बना सकूं। बहुत मूर्ख बना लिया तुमने हमको सर्पिका, पर अब नहीं, क्योंकि अब हम सब कुछ जान चुके हैं कि हमारा सब कुछ केवल सुनैना है और कोई नहीं। हमारे होते हुए तुम सुनैना को कुछ भी नहीं कर सकते हो सर्पिका। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रास्ते से हटाती हूं। जब तक ये सर्पिका जीवित रहेगी, सुनैना पर जान का खतरा बना रहेगा। आज इस सर्पिका का विनाश होकर ही रहेगा। आप केवल हमारी सुनैना के साथ रहिए, उसका ध्यान रखिए। हम आते हैं। अब हम भी देखते हैं कि हमें सुनैना को काली शक्ति बनाने से कौन रोक पाता है। जीजा जी ने हमें भेजा है दीदी का ख्याल रखने के लिए। चंद्रलेखा, तुम्हें तो चोटें आई हैं, जाओ और औषधि लगा लो, हमें सुनाने के पास। हमसे बचकर कहीं नहीं बच सकती तू सर्पिका, मरने के लिए तैयार हो जा सर्पिका। अधिराज, दीदी जीजा जी सर्पिका के पीछे गए हैं, वो आपको मारने के लिए यहाँ पहुंच गई थी। मुझे अधिराज के पास जाना होगा, वो सर्पिका बहुत खतरनाक है, मुझे ना सब कुछ बताना होगा। अम्मी, सुना ना, रुको बेटा। राजा साहब किस तरफ गए हैं? बाहर की ओर गए हैं रानी साहब। मुझे अधिराज को सब सच बताना होगा। अधिराज, तुम ठीक हो ना? हाँ। सर्पिका, वो कहाँ है? आप
आप उसका पीछा करते हुए गए थे ना? हाँ सुनैना, किंतु वो भागते भागते जंगल में पता नहीं कहाँ गायब हो गए। पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम उसका अंत अवश्य करेंगे। वो काली शक्ति हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। अधिराज, यह सब कुछ गलत हो रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है और वो षड्यंत्र सर्पिका ने नहीं, किसी और ने रचा है। कौन? मैं जानती हूँ, मैं आपको जो भी कहूंगी उससे आपको कष्ट पहुंचेगा, पर आपको सब सच सच बताना मेरा कर्तव्य है। बताओ। मैं ये सबके पीछे चंद्रलेखा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानती थी कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, पर यही सच है अधिराज। रानी माँ का भेष धार कर वो मुझे यहाँ से लेकर गई थी, आपकी याददाश्त मिटाई और उस सर्पिका को पुनर्जीवित भी उसी ने किया है। नहीं अधिराज, मेरी बातों पर नहीं, ये सब झूठ है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हम दोनों की जान बचाई है। ये सच नहीं हो सकता, हमारी माँ पूरी नहीं हो सकती है। और तुम अच्छे से जानती हो हम तुम्हारी हर बात सुन सकते हैं, किंतु हमारे माँ के विरुद्ध एक शब्द नहीं। अधिराज, मैं जानती हूँ ये सब बातों से आपको बहुत चोट पहुंच रही है, पर यही सत्य है अधिराज। अगर ये सत्य है तो इस सत्य को सुनने से पहले हमारा मर जाना ही उचित है। अधिराज! अधिराज! ओहो, अधिराज की मृत्यु का शोक मना रही हूँ सुनैना। लेकिन ये तो केवल एक भ्रम था। लेकिन अगर तूने अधिराज को हमारी सच्चाई बता दी तो उसका सच में यही हाल हो जाएगा और फिर तू भी मरेगी। कितनी बार समझाऊं तुझे, मारना और बचाना केवल भगवान के हाथ में होता है। तुझ जैसे काली शक्ति केवल धमकी दे सकती है। अच्छा, ये बात है। कोई है? जी, अपनी जान ले लो। देखा ना तुमने, शैतान भी जान ले सकता है सुनैना। और अब यही हाल अधिराज, उसकी माँ तारा और तुम्हारी नानी का होगा। फिर हम राज्य के बच्चे बच्चे को मार डालेंगे। छुपी है तू काली शक्ति, बाहर निकल। क्या बात है अधिराज, मुझे तो लगता था मैं ही आपके पीछे पागल हूं, पर मैं गलत थी। पागल तो आप भी हो मेरे पीछे, इसीलिए तो इतने बेचैन होकर मुझे ढूंढ रहे हैं आप। वैसे प्रेम में पागल होने का आनंद कुछ और ही है। सच बताइए अधिराज, ऐसा क्या है उस सुनैना में जो उसके लिए अब मुझे ठुकरा रहे? मेरा हो जाइए ना अधिराज, मैं आपको सबसे शक्तिशाली राजा बना दूंगी। हाँ अधिराज, मैं आपकी शक्ति बनना चाहती हूँ, उस सुनैना की तरह। आपकी कमजोरी नहीं सुनैना, हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। पर ये बात तो जैसे काली शक्ति को कहां समझ में आएगी।
काश आप समझ पाते और देख पाते। उस सुनैना से अधिक प्रेम मैं आपसे करती हूँ और आपको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रेम में केवल पाने की लालसा नहीं होनी चाहिए, प्रेम त्याग करना भी सिखाता है। किंतु तुझ जैसी काली शक्ति को प्रेम का अर्थ कहाँ समझ में आएगा, जिसके अंदर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, निर्दयता भरी हो। और आज तुझे तेरे कुकर्मों का दंड अवश्य देंगे हम। तैयार हो जा सर्पिका। अब बता, हमारी बात मानेगी या फिर खत्म कर दे तुम्हारे परिवार और तुम्हारी प्रजा को। मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली डाकिनी। अच्छा दासी, नहीं नहीं नहीं, तुम जो कहोगी मैं मानने के लिए तैयार, पर इसे जाने दो। तो फिर उतार दे ये कुंदा अपने गले से। मुझे क्षमा कर देना। तुम्हारी हर गतिविधि पर हमारी नजर होगी और अगर तुमने अधिराज या किसी और को कुछ बताने का प्रयास किया तो इस कुंदे के माध्यम से हम सब सुन लेंगे। और अब ध्यान रहे, आज मध्य रात्रि तुम्हें जंगल में काली गुफा के पास आना है, मगर ध्यान रखना बिना किसी को बताए। अगर इसी तरह हमारी बात मानती रहोगी तो तुम्हारे अपने जीवित रहेंगे। ये बिमा, अब मैं क्या करूं? मुझे अधिराज को सब सच बताना होगा। अधिराज, अधिराज कहाँ हो आप? अब हम इस अस्त्र से सुनैना पर प्रहार करेंगे, फिर वो काली शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी और आने वाले अमावस्या को हम इसकी आहुति देंगे और फिर हम अपनी चंद्रमणि सिद्ध करेंगे। तू अपच नहीं सकती सुनैना, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी जान देने के लिए तैयार हो जा। तू अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाएगी।